Hey, what's up guys? My name is Abhishek and you're watching The Perfect Fifth. और स्वागत है आपका हमारे इस नए Logic Pro X के 101 कोर्स में, जो कि एक बिगिनर्स के लिए कोर्स है, जिसमें हम सिखाएंगे कि Logic Pro X के साथ आखिर शुरुआत कैसे करते हैं। तो Logic Pro इंस्टॉल करने के बाद जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है, आप Logic Pro X में जाइए, प्रेफरेंसेस में जाइए, एडवांस्ड में जाइए, और उसके बाद यहाँ पर आपको हो सकता है ऐसे हो, आपको इसको चेक करना है और ये नीचे के सारे एडिशनल ऑप्शंस भी चेक करने हैं। इसके बाद क्या होगा कि आपके जितने भी प्रोफेशनल टूल्स है Logic Pro X के, आपके वो सारे के सारे टूल्स खुल जाएंगे और आप उनको इस्तेमाल कर पाएंगे। देन आप नेक्स्ट जा सकते हैं साउंड लाइब्रेरी में, और यहाँ पे आप ओपन साउंड लाइब्रेरी मैनेजर करिएगा, और ये सारे जो आपके ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे मेरे में सब में स्टेटस जो इंस्टॉल्ड दिख रहा है, आपके में हो सकता है ऐसा ना हो, आपको उसको चेक करना है और देन इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। फिर वो आपका आपकी इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से धीरे धीरे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। आपके यहाँ पे एक बार बनी आ जाएगी जिसमें आपका स्टेटस दिखाएगा कि भाई आपकी जो लाइब्रेरी है वो कितनी डाउनलोड हो गई है। आप एक बार और जाइए प्रेफरेंसेस में और इसके ऑडियो टैब में जाइएगा, और यहाँ आप आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस वाले सेक्शन में आपको कुछ नहीं करना, जो आपका ऑडियो इंटरफेस है उसको जाके सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे आपके पास फोकस राइट होगा, मोटू, एपजी या बोलो, जो भी होगा, आप यहाँ पे जाइएगा और सिलेक्ट कर सकते हैं। शुरुआत में बस जितना भी हो सके कम रखिए अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है, और अगर आपको मिक्सिंग करनी है तो जितना हो सके ज्यादा रखिए। फिलहाल आप कम ही रखिए, क्योंकि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो वो सारी बात बाद में करी जाएगी, जिसमें आपको मैं इन सब के बारे में समझाऊंगा कि ये नंबर्स एक्चुअली क्या है। और आपने जैसे सपोज 64 कर लिया, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, रिकॉर्डिंग वाले पे जाइए, इसको 24 ही रखिए, इसको आप AIFF भी छोड़ सकते हैं, और देन इसको आप बंद कर दीजिए। जब आपकी सारी की सारी लाइब्रेरीज डाउनलोड हो जाएगी तो यहाँ लाइब्रेरी वाले बटन के पास जाएंगे तो सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। आपके पास जो भी लाइब्रेरी है, बेस, ये सारे उसके नाम है, फ्रेटलेस बेस, लिवरपूल बेस वगैरह वगैरह, गिटार्स में जाएंगे गिटार्स, पियानो में जाएंगे पियानो, ऐसे ऐसे करके चीजें आएंगी। देन उसके बगल में ये है आपकी इंस्पेक्टर विंडो, इसमें आपके सारे ऑडियो एफएक्स, मीडी एफएक्स, जो भी रिवर्ब डिले या जो भी आपको कंप्रेसर वगैरह लगाना है वो सब यहीं लगेंगे। बसेस के ऊपर आपको जो भी राउटिंग करनी है सारी चीजें यहीं पर होंगी। इन सब के बारे में हम ढंग से आगे बात करेंगे। यहाँ पे और भी ऑप्शंस होते हैं, ये सब चीजें हैं, ये सब हम बाद में देखेंगे इन सब चीजों में होता क्या है। ये है आपकी एक कायदे से LCD डिस्प्ले, जिसमें आपका स्केल लिख सकते हैं, आप सेट कर सकते हैं, जो भी है, जो भी आपका टाइम सिग्नेचर है, टेम्पो सेट कर सकते हैं आप इसमें, जो भी इन्फॉर्मेशन उसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। देन ये है आपका मेट्रोनोम, मेट्रोनोम की सेटिंग में जाके आप इसकी टोनैलिटी चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं वगैरह वगैरह। और फिर उसके बाद ये आपका एक क्वेश्चन मार्क है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जैसे गाइड सा टूल सा स्टार्ट हो जाता है। आप कहीं पर भी हवर करेंगे तो आपको बताएगा कि भाई ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है। कारगर साबित होता है अगर आपको शुरुआत में सीखना है। और ये है आपका लूप सेक्शन। अब उसके बाद आप इंस्ट्रूमेंट्स में जाइए, जॉनर के हिसाब से आप इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे रॉक, ब्लूज, जैज क्लिक करेंगे तो इसी टाइप के लूप्स आएंगे। आप इंस्ट्रूमेंट में जाके फिल्टर कर सकते हैं, जैसे एडवांस ड्रम, मैंने यहाँ पे रॉक ले लिया, कोई ड्रम इसी को सिलेक्ट कर लेता जैसे। तो ये जो आपका लूप है ये एक ऑडियो लूप है। ऐसे ही आपको यहाँ पे ये मिडी लूप्स भी दिखाई देंगे, और ऐसे एक आधा कुछ और अलग भी होगा। हाँ, ये है आपके जो एक नई चीज़ आई है ड्रमर वाले, आप उसको ऐसे ड्रैग करेंगे तो ऐसे ड्रमर टाइप का कुछ बन के आएगा। फिलहाल ये आपको मिडी फाइल्स नहीं लग रही, आप इस पर राइट क्लिक करके इसको कन्वर्ट पे जाके कन्वर्ट टू मिडी कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो आपका ये पियानो रोल खुल जाएगा। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, सपोज आपको यहाँ पे किक नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको हेड्स नहीं चाहिए, आप एडिट कर सकते हैं कहीं और चाहते हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। आप ऐसे कॉपी करके इसको लगा दीजिए, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो इस तरीके से आप एडिट कर सकते हैं, आप इसको डिलीट कर सकते हैं डिलीट वाला बटन दबा के। अब सपोज हमने कोई एक ऐसे ऑडियो लूप उठाया, अब हमने इसको ऐसे ड्रैग कर दिया, ये आपका मीटर की ग्रिड के ऊपर आ गया। देन उसके बाद अगर आप चाहें तो इसको लूप भी कर सकते हैं, आप ऐसे कुछ यहाँ पे ऐसे कॉर्नर पे लेके जाएंगे ना तो ऐसे लूप जैसा कुछ बना हुआ आएगा, इसको ऐसे ड्रैग कर दीजिएगा तो ये आपका लूप बन जाएगा। आप कमांड आर्ट मार के इसको ऐसे भी रिपीट भी कर सकते हैं, इस ढंग से भी किया जा सकता है। आपने भाई लूप कर लिया और देन उसके बाद आपने डिलीट करके जो एक्स्ट्रा ट्रैक्स थे उसको हटाया। सपोज आपने कोई एक नया ट्रैक बनाया, यहाँ पे प्लस पे जाइएगा और एक नया सॉफ्टवेयर इंस्ट्रूमेंट ट्रैक पे जाइएगा, डिफॉल्ट पैच जो भी आपके पास आएगा। जैसे मान लीजिए हो सकता है आपके पास इलेक्ट्रिक पियानो आए, मेरे पास यहाँ पे स्टेनवे ग्रैंड पियानो है क्योंकि मैंने उसको सिलेक्ट कर दिया है। अब उसके बाद आप कोई आपको कुछ और चीज़, सपोज पियानो ही चाहिए आपको, तो दोबारा सिलेक्ट करिए पियानो, या अगर आपको यामाहा ग्रैंड पियानो चाहिए, फिलहाल मुझे स्टेनवे चाहिए, मैंने सिलेक्ट किया, इसको बंद किया, और अब मुझे क्या काम करना है कि मैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट इसके ऊपर रिकॉर्ड कर सकता हूँ। मैंने अपना मेट्रोनोम ऑन किया और कुछ नहीं, बस आर वाला बटन दबा दिया, या फिर आप इस वाले बटन को भी क्लिक कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग ऑन करी।
जो भी बजा जैसा भी बजा, आप फिर जाएंगे इसके ऊपर, आप देख पा रहे हैं कि कुछ कुछ चीज़ें जो है आउट ऑफ टाइम है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस उसके ऊपर जाइए। जैसे आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा ये बीट पे नहीं आया है, आप सब कुछ सिलेक्ट करिए और देन उसके बाद आप सिलेक्ट करिए कि आप किस मीटर पे या किस बीट पे बजा रहे हैं। जैसे सपोज 116 ही कर दीजिए और देन उसके बाद क्यू कर दीजिए, तो ये आपका ये इस टाइप का आपका कुछ मीटर से आ जाएगा। और आप उसके बाद इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको रिपीट भी कर सकते हैं, लूप्स इस टाइप से ऐसे कुछ कुछ कर सकते हैं। और यह है आपकी जूम इन जूम आउट वाली वो जो भी स्लाइडर है, ये आपका वर्टिकल है, ये आपका हॉरिजॉन्टल है। ये सारे बटन कुछ इस टाइप से है कि भाई देखो ये पीछे पीछे करने के लिए होता है या आगे आगे करने के लिए होता है, जैसे पहले होता ही था। ये एकदम शुरू में करने के लिए है, ये प्ले करने के लिए है और ये रिकॉर्ड करने के लिए। आप चाहे तो लूप भी बना सकते हैं ऐसे करके, यहाँ से इंस्ट्रूमेंट को म्यूट करके आप ड्रम सुन सकते हैं और इसके ऊपर कुछ भी जैम करके अपना कोई एक नई मेलोडी भी बना सकते हैं। इस तरीके से भी काम करती है सारी चीज़ें। हम सीखेंगे बाकी इसके बारे में आगे और कुछ कुछ। मैंने आपको इसके बारे में बता ही दिया, क्वांटाइजेशन कैसे होती है सब चीज़ें दिखाई दी आपको, लूप कैसे होता है। हाँ, अगर आप अब इस सेशन को सेव करना चाहते हैं सपोज मान लीजिए, तो भाई आप फाइल पे जाइए, सेव पे जाइए, ऐसा कुछ कुछ आपको खुल के मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा पैकेज या फोल्डर, शायद बाय डिफॉल्ट पैकेज होता है, आपको फोल्डर कर लेना चाहिए क्योंकि इसके बाद आप कल को कोई भी इसके अंदर ऑडियो फाइल डालते हैं तो सारी चीज़ें उसके अंदर सेव रहती है, शायद मुझे ठीक लगता है, आप कुछ भी कर सकते हैं फिलहाल। और देन उसके बाद आप उसको भाई सेव कर लेंगे। सपोज मैंने डेस्कटॉप पे सेव करना है, इसका नाम दे दिया मान लो XYZ, देन उसके बाद आपने डेस्कटॉप पे इसको सपोज सेव कर लिया, भाई ये हो गया आपका सेव। अब आप चाहते हो कि इसकी कोई ऑडियो फाइल निकाल के सुनने लायक कुछ मिले, तो आपको जहाँ से जहाँ तक कुछ चाहिए आपने ऐसे एक लूप बनाया। आप चाहे तो यहाँ पीछे से भी इसको छोटा करके इसको भी यहाँ से कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। फिलहाल मैंने लूप बनाया, उसको पीछे लेके गए और देन फाइल पे गया, देन बाउंस पे गया, ये जो आपको दिख रहा है ना प्रोजेक्ट और सेक्शन, इस पे जाके क्लिक कर दीजिए। अब ये PCM है, वेव MP3 है आपकी, MP3 आप दोनों पे चेक कर सकते हैं, तो दोनों निकल आएगा। आप MP3 पे क्लिक करिए, यहाँ पे आप अपनी बीट रेट सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने 320 kbps सेट कर रखा है। ये बाय डिफॉल्ट आपका सेशन जिस भी सैंपल रेट में होगा ये सब अपने आप ले लेगा। और ये जो रियल टाइम और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस है, जैसे कई बार आप कोई हार्डवेयर प्रोसेसिंग करते हैं, कोई कंप्रेसर है आपके पास, LA2 LA76 टाइप की कोई चीज़, तब आपको रियल टाइम, या कोई आपके पास हार्डवेयर सिंथ वगैरह, तब आपको रियल टाइम की जरूरत पड़ेगी, वरना आपका ऑफलाइन से काम हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन को आप ऑफ ही रखें तो ही अच्छा है। ओके शो के कर दीजिए, फिर आपको ये दिख रहा है जैसे आपने जहाँ सेव किया XYZ वाले फोल्डर के बाउंस के अंदर, या आप ऐसे करेंगे तो भाई ऐसे कुछ आपका बाउंस होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आप जाएंगे डेस्कटॉप में जाएंगे, आप अपने XYZ में जाएंगे, बाउंस में जाएंगे, तो आपको यहाँ पे ये आपकी फाइल मिल जाएगी, बजने बजने लग जाएगी। अच्छा सॉरी, आपने सुना कि इसके साथ क्लिक्स भी आ रहे हैं, आपको बाउंस करते वक्त ध्यान रखना है कि क्लिक्स को बंद कर दीजिएगा। आप फिर से ऐसे जाएंगे, बाउंस पे जाएंगे, प्रोजेक्ट और सेक्शन पे जाएंगे, देन उसके बाद ओके करके आप बाउंस कर देंगे तो उसको रिप्लेस कर देगा ये। इस टाइप से आपका कुछ काम होगा इसके अंदर। फर्दर आप अगर इस इंस्ट्रूमेंट्स को रेप्लिकेट करना चाहते हो तो ये छोटा वाला प्लस कर देंगे तो एक्जैक्टली सेम इंस्ट्रूमेंट आपका यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपके सामने आगे आएंगी, हम और भी चीज़ें देखेंगे इसके अंदर। तो ये था आपका, सपोज अगर आप शुरुआती तौर पे कोई सेशन कैसे बनाते हैं, लूप्स कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स कैसे खुलते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको इसके अंदर बताई। आने वाली वीडियोज़ में हम और भी देखेंगे कि कैसे हम बफर साइज सेट करते हैं, कैसे सैम्पल रेट सेट करते हैं, और कैसे लेयर्स एक दूसरी कैसे एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, कैसे हम माइक्रोफोन से कोई वोकल्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई गिटार रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैसे थोड़ी बड़ी प्रोसेसिंग के साथ हम एक अपना ओरिजिनल ट्रैक कुछ बना सकते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे अगर आपको कुछ पूछना है आप वहाँ पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आप अगर कुछ जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन पे भी पूछ सकते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हम और भी इसी टाइप की वीडियोज़ के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।